उनके ऊपर शाम के रंग चढ़ गए, शाम के प्रिया थे। अच्छा, एक समय की बात कहता हूँ, सुनो भाई। एक समय राधा जी कहने लगी, श्याम तू बड़ी काल काले हो, काले के साथ हमें मिलना नहीं चाहते। क्यों? बोले जस जत संगति पुंसंग, जो व्यक्ति जैसे पुरुष के संग करता है उसके रंग तो चढ़ जाता है ना, है बात सही है कि नहीं है? आप एक सड़ा आलू यदि एक बड़ी आलू में रख दो, कुछ देने के बाद क्या देखोगे आप? शराब सारे जो है आलू क्या हो गया, सड़ गया। क्यों ना? उसके जो सड़ा हुआ आलू के जो रंग जो था उसके ऊपर चढ़ गया, सड़ा है ना, चढ़ जाता है, है ये बात सत्य ही है, है। और अच्छे लोगों के साथ रहो तो अच्छे गुण आ जाता है। जैसे चंदन पेड़ है, नाम सुना कि नहीं? चंदन पेड़ कैसे होता है, है सुगंध होता है ना, उस चंदन की सुगंध से सांप भी वहीं पर आ जाता है, बहुत जहरीली सांप, जहरीली सांप जो है विषधर सांप चंदन पेड़ के चारों तरफ है रहता रहते हैं। अभी जो आप लोग चंदन व्यवहार करते हैं घर में घिसते रहते हो, है अभी वो चंदन यात्रा गए ना अक्षय तृतीया के दिन, है चंदन लोग घिसा और ठाकुर जी के शरीर में लेपा, किंतु वास्तव वो असली चंदन नहीं मिलता है, है चंदन पेड़ के रहने वाले पास ही रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उसकी वह चंदन पेड़ के सुगंध से अपने आप सुगंधी हो जाता है। लोग उसको काट करके लेकर के आते हैं, बाजार में बेचते हैं, बोले क्या चीज़ है, चंदन है। क्यों कह सुना जाता है चंदन पेड़ के चारों तरफ बहुत जहरीली है और सर्प जो है वहीं पर है रहता है, है देखो ये कहा जाता है चंदन के संग से हमारे सब कुछ सुगंध हो जाता है, है चंदन लगाने से ताप भी दूर हो जाता है, स्निग्ध होता है, कोमल होता है, है और समस्त प्रकार थकान भी अपने आप दूर है। थकान समझते कि नहीं, है सब थकान क्या होगा, दूर हो जाए। तात्पर्य जी इसलिए कह रहे हैं, देखो सत्संग के प्रभाव से क्या हो जाता है, सब शीतल हो जाता है, है चित्त निर्मल हो जाता है, है इसलिए सत्संग कहा जाता है। तो एक समय श्याम सुंदर राधा जी ने कहे, काले श्याम तुम्हारे साथ हम मिलना नहीं चाहते हूँ। क्यों? ना तुम काले हो, है इसलिए तुम्हारे साथ मैं मिलना नहीं चाहता, है तुम्हारे रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। कौन बोली? राधा जी बोली। श्याम जी ने क्या बोला, देखो राधे एक बात बताता हूँ, देखो सोने सुना है ना गोल्ड जो है उसकी अच्छी और क्वालिटी और लो क्वालिटी कैसे समझोगे आप बताओ, है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, केवल जो झिकमिक झिकमिक करते सब गोल्ड नहीं होता है, कुछ इमिटेट होता है, किंतु देखो असली सोना कैसे समझोगे उसको, जिसका कितने कैरेट होता है, 24 कैरेट सोना होता है, है उसमें बहुत निर्मल अच्छा सोना होता है, है तो अच्छी सोने सोना की जो है उसके पहचान के लिए क्या चाहिए, कसूटी पत्र चाहिए, ये काले होता है ना एक, है और उसके ऊपर क्या सुनार क्या करता है उसमें ऐसे घिस देता है, घिस देने से वो समझ जाता है, है उस प्रकार कृष्ण भी कहने लगे, देखो है ये काले के ऊपर जो है सोना जो है चढ़ जाता है, किंतु सोने के ऊपर काले नहीं छोड़ता है। आज समझ में नहीं, समझ में आ रहे है? तो इसी प्रकार राधा कृष्ण के ये समस्त लीला होती रहती है। आसमान जैसे आपकी ब्रज की कथा सुना रहे हो बहुत अच्छा लगता है कृष्ण बंसी बजाई और सारी गोपियाँ क्या की, कृष्ण के समीप में निकट में पहुँच गई है। एक गोपी भी कृष्ण ने बंसी बजाई, एक गोपी सारे अंग में श्रृंगार कर लिया था, केवल आँख में काजल लगाना बाकी था, एक आँख में तो लगा दी है
और दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए जा रही थी, इतने समय गोविंद के बेनु धनी आ गया एंड क्लेम बस कलम जगु बाम दिशा मनोहरम। देखो बंसी के धनी सुनते ही वो गोपी दौड़ पड़ी आकर के एक श्याम सुंदर से मिले। श्याम सुंदर ने कहा, उनके सारे अलंकार को देखा है, पैर से लेकर के मस्तक सारे अलंकार वस्त्र अलंकार सब सुंदर रूप में है, किंतु केवल एक आंख में काजल है और दूसरी आंख में काजल नहीं है, है? उस समय कृष्ण ने पूछा भाई तुम्हारे दो एक आंख में काजल और दूसरी आंख में क्यों नहीं है? तो वो गोपी ने क्या उत्तर दिया जानते हो? श्याम सुंदर काय को बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी, तुम काय को बंसी बजाई है। ये ब्रज में कीर्तन होते रहते, बहुत सुंदर ही भावपूर्ण जो है ये कीर्तन का है। जय मैं श्रृंगार कर रही थी, वो गोपी कहने लगे, मेरे सारे पैर के नुपुर से लेकर के जितने भी श्रृंगार सब मैं कर लिया था है, किंतु मेरे बाकी क्या रहा था? आँख में काजल लगाना। तो एक आँख में काजल लगाए, दूसरी आँख में लगाने की जरूरत, इतने समय तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी और मैंने क्या कि सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे पास आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महारी कथा निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। कृष्ण के वंशीधनी सुनते ही सारी गोपियां दौड़ पड़ती रहती, इतने अनुराग है। कृष्ण के वंशीधनि सुनते ही सारी गोपियां क्या की, अपने समस्त कुछ सब कुछ छोड़ खाड़ करके गोविंद के साथ मिलते थे। इसलिए कह रहे ना वो गोपी कह रही है, श्याम सुंदर मैं तो आ रही थी, माने मैं आने के लिए क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। तुम काई को बंसी बजाई, तुम क्यों बंसी क्यों बजाया? तुम्हारे वंशी ध्वनि सुन जाते हैं आसमें, चलो किसी प्रकार से तो बंसी बट में पहुंच गए सब गोपियां। कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण कहने लगे गोपियां तुम क्यों आई क्यों यार हैं, अपने अपने घर घर लौट करके जाओ है। देखो रात्रि काल है, इस रात्रि में स्त्रियों के जो है जंगल में रहना नहीं चाहिए है, कहीं शेर हो सांप हो बिच्छू हो है तुम्हें काट देगा, इसलिए है, इसलिए रात्रि में क्या जंगल में रहना नहीं चाहिए, अपने अपने घर लौट करके जाए है। आ समझे गोपियाँ ने क्या उत्तर दिया? गोपियाँ ने ये उत्तर देने लगे, देखो श्याम सुंदर है, हम लोग कैसे घर में लौट करके जाए बताओ, हमारे धन के तुम तो चोरी करके लाए हो, बिना धन से हम कैसे चले जाएंगे है। बोले कौन सा धन तुम्हारी चोरी किया? बोले मेरा हृदय रत्न के तुम चोरी कर लिया। कौन सा हृदय रत्न है? तुम्हारे ऐसे वंशित धनी सुंदर है, वो वंशित धनी के द्वारा हमारे हृदय रूपी महान जो धन जो है वो चोरी हो गया, वो लौटा दो हम चले जाएंगे है। वो क्या चीज़ है? हमारे मन है। तुम वंशी धनी के द्वारा हम उनके मन के तो चोरी कर लिया है, तो हम लौट करके कैसे जाएं है? देखो बात सत्य है, आपके बताता हूँ, हम लोग केवल पैर के द्वारा नहीं चल सकते है, पैर के द्वारा चलने के लिए क्या जरूरत होता है? पैर के साथ मन यदि जोग हो तो आप चल सकते हैं। मन दूसरी प्रकार है, चिंतन कर रहे हैं और पैर चल रहे हैं, हो सकता है कहीं गड्ढे में न गिर जाओ है। इसलिए कहते हैं ना चलने के समय ध्यान दे करके चलो, माने मन को जो है उस इंद्रियों के साथ जोग करके चलो है। इसलिए हम कहते हैं मन दे करके पढ़ाई करो, तुम पढ़ रहे हो और मन दूसरा कहीं चल रहे हैं। बच्चा कभी कभी होता ना है, ज़्यादा तो गेम्स खेलते रहते हैं, क्या आजकल क्या है वो है, हाँ वो खेलते रहते हैं और मम्मी पापा आ गया तब उनके पता ही नहीं क्या करें। मन तो गेम्स के प्रति है, आजकल 99% जो है बच्चे जो है वो यही करते रहते हैं, कहाँ पढ़ाई कर पाते। और फिर लॉकडाउन के समय वो भी अच्छा ही है, स्कूल तो जाना ही नहीं पड़ता है, जितने समय है बैठे रहो। और भी कहते हैं क्या बोलते हैं जे वो क्लास होता है, कौन से क्लास? ऑनलाइन क्लास। हाँ ऑनलाइन क्लास में तो टीचर तो कहाँ बैठे हुए पता ही क्या है
कैमरा लगा दिया, उसे प्रेजेंट करके बस वो भग जाते हैं, ऐसे बोलते रहता है जो हो रहे हैं स्कूल में होते तब तो दिखाई पड़ता रहता है, बस ये भी दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ है। और फिर भी अभी कभी इंटरनेट रहे, कभी भी नहीं रहे, बत्ती रहे कभी नहीं रहे, तो आप क्या कर लोगे बताओ, है ना। आज एक साल हो गया बच्चों के पढ़ाई तो गए सब, है ना। अरे सबको पास करा दो चलो सबके एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो बालक कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ता ही कोई, सब पढ़ा सब गए। है भाई स्कूल खुला रहते नहीं जाए तो टीचर ये कहेंगे भाई पढ़ा नहीं है, उसके लिए ऑब्जेक्शन आएगा, तुम्हारे पिता माता के बुलाया जाएगा, ये तुम्हारे बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करते करते हैं। इधर तो कोई बस सब क्या है आराम से है, है? चल रहे कि नहीं चल। हम जो उस कथा प्रसंग से इसलिए हम कहते हैं देखो पढ़ाई करो, मन देश की पढ़ाई करो, मन यदि कहीं हो तो काम नहीं होता है। आँखों के द्वारा केवल हम देख नहीं सकते, आँख के साथ क्या होनी चाहिए, मन जोग हो तब हम देख सकते हैं। केवल आँख खोले रहने से थोड़ी होता है, बहुत लोग हमने देखा सो जाते हैं, कैसे सोते हैं आँख खोल कर सोते हैं, देखना है, अधिकांश सब तो आँख बंद करके सोते हैं। ऐसे कुछ आप लोग देखोगे कैसे सोते हैं, वो आँख खोल कर गया तो सोचे वो खोल, वो देख रहे, किंतु वो तो बिल्कुल सो रहे हैं, उसके आँखों के पास ऐसे करो कुछ नहीं होता उसको, है। अभी आप जगे हुए कि नहीं है, इसलिए आपके आँख के पास ऐसे हाथ रखे तो आपको झपक होगा ना, ये जो है पलक झपेगा, किंतु जो आँख बंद आँख खोल करके सोता है उसके पास रुको कुछ नहीं होता है, जैसे मुर्दा के भांति पड़ा हुआ है, केवल सांस चल रहा है, हाँ इतना ही तक है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, हमारे मन इंद्रियों के साथ जब जोग हो जाता है तब हम काम कर सकते हैं। तो गोपियाँ उसी प्रकार कह रहे हैं, श्याम सुंदर हमारे मन को तो तुम चोरी कर लिया है, आज हम कैसे जाएं, कैसे जाएं बताओ। पादंग न चलती तब पाद मूलात, गोपियाँ कहती है पादंग न चलती तब पाद मूलात, हे गोविंद हे श्याम सुंदर आपके पास से हमारे पैर कैसे जाए बताओ। पादंग न चलती तब पाद मूला, आपके पास से हमारे चरण कैसे चले जाएंगे, हमारे मन रूपी धन को तुम लौटा दो तब तो हम जाएंगे, है। तुम महाचोर हो, है चित्त चोर है, इसलिए हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगना दुकूल चोर अनेक जन्म जित पाप चौरंग चौरंग अग्रगण पुरुषंग नमामि। कोई चोर के प्रणाम करते है, देखो यहाँ श्याम सुंदर के साथ प्रणाम कर रहे हैं, गोविंद के साथ प्रणाम कर रहे हैं, चौर अग्रगण, वो भी चोर में सबसे श्रेष्ठ चोर कहा जाए, अग्रगण माने श्रेष्ठ चोर है, इसलिए ब्रजे प्रसिद्धं, ब्रज में वो कैसे प्रसिद्ध है, माखन चोर, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनांच दुकुल चोरं, गोपियों की दुपट्टा वो भी चोरी करने वाले हैं, अथवा दो कुल, दो कुल माने मातृकुल और पितृकुल के भी चोरी कर लेते हैं, देखो है गोपियों की सब कुछ चोरी करने वाले हैं। अनेक जन्मार जित पाप चोरं, एक बार गोविंद के शरण में आ जाए है आपको चित्त चोर चोरी कर ले जाएंगे, चित्त चोर भी कहा जाता है, एक नहीं अनंत करोड़ जीवन की जितने पाप जो है वो क्या कर दे, चोरी कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चोरों, अनेक जन्म एक नहीं है अनंत करोड़ जीवन के जितने पाप है वो गोविंद क्या करते हैं आपको चोरी कर लेते हैं। अजामिल, मैंने बार बार यही उदाहरण देता हूँ, देखो अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा, नारायण, और आपका अपने बेटा बेटी के क्या नाम रखा, क्या रखा, हक्कू बक्कू चक्कू डाकू, ये कोई नाम होता है, चक्कू नाम रखो चक्कू चलाएगा तुम्हें, है किंतु देखो गोविंद के उसके क्या नाम रखना चाहिए, राम कृष्ण होरी गोविंद है, राधा ललिता विशाखा, ऐसे कितना सुंदर नाम रखो है,
देखो ऐसे, इसलिए कम से कम अपने बेटा बेटी के नाम यदि राधा कृष्ण हो, देखो दिन में तो कम से कम 50 बार बुलाओगे ना अपने बेटे के बेटी के, है राधा तू इधर आ जा, राधा 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 बस, है धारा 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 राधा राधा आ जाता, राधा और धारा धारा राधा उल्टा करी हुई ना, है देखो किसी प्रकार से प्रभु के एक बार नाम हो जाए, देखो संसार से वो मुक्त होकर चले जाएंगे। और बच्चा के दो डाकू हाकू बाकू कर दो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान के नाम रखो है, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं ये प्रभु के कोई एक बार नाम लेकर के डाक पुकारते हैं उसको क्या सब पाप नष्ट कर देते हैं, भगवान उसको पाप को चोरी कर लेते हैं है, और चोरी करके आपके चित्त के निर्मल करा देते हैं। इसलिए कह रहे हैं गोपियाँ भी कह रही हैं तुम तो चित्त चोर हो, सबके चित्त के चोर चोरी करने वाले हो है। इसी प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण के साथ अनेक प्रकार जो है हास परिहास व्यंगोक्ति होने लगे। अंत में कृष्ण भी कहा हे गोपियों देखो अपने पति सेवा करो, पति सेवा ही परम धर्म, पति की सेवा करना चाहिए है। गोपियाँ बोले पति तो एक ही हम जानते हैं, एक है क्या, एक पति होता है और एक होता है क्या परम पति, पति और परम पति, परम पति कौन है परमेश्वर जगदीश्वर है जगन्नाथ। आप जगन्नाथ नाम सुना कि नहीं सुना, जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है बताओ, जगत के नाथ है, नाथ शब्द का अर्थ होता है पति होता है, समस्त जगत के पति कौन है जगन्नाथ है। पति शब्द के अर्थ बनता है क्या प माने पालन पोषण करते हैं, अर्थ माने त्राण करते हैं, जो समस्त जीवों के पालन पोषण भी करते हैं और त्राण भी रक्षा भी करते हैं है? इसलिए उसके क्या नाम रखा गया जगन्नाथ, जगन्नाथ जगतपति जगन्नाथ है, है? जगन्नाथपुरी गए आप कितने बार गए के कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, सभी चलो जगन्नाथपुरी बहुत आनंद आए है। देखो मैं एक बात कहता हूँ फिर हम अभी से तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पता नहीं कितने लोग, मैं सुन रहा था कि लॉकडाउन है कि नहीं है, चलो है, है 144 धारा लगा दिया ना, ज़्यादा लोग इकट्ठा करना नहीं देना चाहते। हाँ क्या बोल रहा था जगन्नाथपुरी है। देखो हम कहते हैं देखो हमारे जितने भी ठाकुर जो है कोई चैन से बंसी बजा रहे हैं हैं आसमा जो नहीं, कोई ध्यान कर रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं, कोई हाथ में क्या बोले तीर धनुष लेके खड़े हुए हैं, कोई चक्र लेकर के खड़े हुए हैं हैं, विष्णु है ना शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हुए हैं हैं, किंतु हमारे जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ क्या कर रहे हैं दोनों हाथ को ऐसे करके रखे देखा है ना। आज जगन्नाथपुरी में जाओ देखोगे है, जगन्नाथपुरी में जाओगे जगन्नाथ ठाकुर जी ऐसे दो हाथ कैसे बोले भाई भाई इतने लोग आ रहे हैं है सबको आलिंगन करने के लिए, जैसे आपके बेटा बहुत दूर देश में चले गए इंग्लैंड अमेरिका चले गए और मानो 2-3 साल के बाद जब लौट करके आते हैं तब आप क्या करते हो दो हाथ उठा करके उसको आलिंगन करते हैं। हमारे जगन्नाथ भी उसी प्रकार है, है? और उनके मुख इतना बड़ा बड़ा मुख है माने स्माइलिंग फेस जिसको कहा जाता है, कितने आनंद देखो तात्पर्य क्या है, ये जगन्नाथ समस्त जगत के पालन पोषण कर रहे हैं और जी भी संसार में भटक रहे हैं भगवान कहते मेरी तरफ आ जाओ है, दोनों हाथ उठा करके करें हे जीव तुम कहाँ है इधर उधर क्यों जा रहे हो, रेगिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हो, रेगिस्तान समझते कि नहीं डेजर्ट, गर्मी के समय रेगिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हो, गर्मी में झुलस जाओगे पानी तो नहीं मिलेगा। भगवान इसलिए जगन्नाथ दोनों हाथ को ऐसे पसार करके हैं करें आओ मेरे बक्षस्थल में आ जाओ, जैसे पिता जिस प्रकार अपने वात्सल्य स्नेह से पुत्र के जैसे अपने गले में लगा करके अपने बक्षस्थल में रखते हैं
है, अथवा माँ जैसे अपने स्नेह रूपी अंचल, अंचल समझते हो है, आजकल तो कोई कपड़ा पहनती बहुत, साड़ी बहुत कम पहनते हैं, उसमें नीचे के भाग होते हैं ना, किनारे के कहते हैं अंचल कहते हैं। तो इसलिए मानो ठाकुर जी उसी प्रकार कर रहे हैं, माँ जैसे स्नेह रूपी अंचल के द्वारा पुत्र कन्या के जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं, जगन्नाथ भी उसी प्रकार है, है? आनंद सब है, है? इसलिए जगन्नाथ कितने सुंदर मधुर है। तो इसलिए कह रहे हैं गोपियां भी उसी प्रकार कहते जा रहे हैं, है? हे गोविंद आप सबके तो पालन पोषण करते हो, है? क्या हम लोग के पालन पोषण नहीं करोगे, सबके तुम आनंद देते हो, है? और तुम हम लोग के आनंद नहीं दोगे, हम लोग कौन सा क्या की है, स्त्री जाति होने के नाते क्या हम लोग के तुम लोटा दोगे, है? कृष्ण के साथ गोपी के साथ अनेक वार्तालाप हुई, है? और अंत में कृष्ण, मैंने जो सुना देखो पति सेवा करो कह दिया, गोपी ने कहा एक पति होता है एक परम पति होता है, परम पति कौन है, जगन्नाथ जगतपति, है? आज सुन एक कथा सुनाती है, कृष्ण ने एक कथा सुनाया, देखो एक ब्राह्मण था, है? और वो उनके घर में उनके पत्नी ब्राह्मणी और एक छोटा बच्चा था। ब्राह्मण एक दिन अपने पत्नी के बोली, ब्राह्मणी के बोली, देखो राजा के आदेश हुई है, है? मुझे है कुछ दूर देश में जाना है। अच्छा तो क्या करना है, बोले अच्छा एक काम करो मैं दो चार दिन में लौट करके आऊँगा। तो दो चार दिन में लौट करके आ गए हैं ब्राह्मण, जब लौट करके ब्राह्मण कहने, देखो आज मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा था, क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा था, सिर में मन में दर्द, हेडेक हो गया। ब्राह्मण ने कहा अपने ब्राह्मणी के कहा, देखो ब्राह्मणी तुम एक काम करो मेरे सिर को जो है कुछ मसाज कर दो, है? कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड भी लय हो जाए, है? जब मैं सो जाऊंगा मुझे जगाना नहीं किसी तरफ से, है? मुझे हिलाना नहीं और जगाना नहीं है। ऐसे कह करके ब्राह्मण ने किया कि अपने पत्नी के गोद में सो गए, सिर रख करके सो गए, है? और देखो ब्राह्मणी अपने पतिदेव के जो है सिर को जो है मसाज कर रहे थे, और देखो उनके 1.5 साल के छोटा बच्चा जो है, है? और क्या कि निकट में आग था, चूल्हा है ना, चूल्हे की तरफ जाने लगे खाना समझ करके, पेट के ऊपर सारा दिखे, घिसकते 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 कहाँ जा रहे हैं, चूल्हे की तरफ जा रहे थे। ब्राह्मणी देख रही थी, बोला अभी क्या करें, पति के यदि जगाए हैं तो पति रुष्ट हो जाएंगे, और यदि बच्चा को नहीं यदि रोके तो बच्चा जाकर के क्या करेगा, आग में गिर जाएगा। अच्छा क्या करेंगे बताओ, अभी वो ब्राह्मणी क्या करें, पति के वाक्य रक्षा करना है कि बेटा के रक्षा करना है, आप बताओ, ये बहुत बड़ी धर्म की संकट आ गया, धर्म संकट समझते हो, है? बिग डिलेमा कमिंग, धर्म संकट में आ गई वो, अभी क्या करें। पतिदेव ने क्या कही, क्या कहा, ये ब्रह्मांड लय भी कुछ भी हो जाए मुझे हिलाना नहीं और मुझे जगाना नहीं। अभी तो पतिदेव उनके तो गोद में सिर रख करके सो गए, हैं? और छोटा बच्चा जो है पेट पर सहारा दे करके घिसकते 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 वो चूल्हे की तरफ जा रहे थे, आग जहाँ पर धक 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 करे जल। ब्राह्मणी क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया। अच्छा आप लोग बताओ आप लोग क्या करोगे, बच्चे को बचाओगे, हैं? पति जो इधर कह दिया, हैं? दिया पतिदेव ने कहा दिया जे किसी भी ब्रह्मांड लाए भी हो जाए कुछ भी हो जाए मुझे हिलाना नहीं और जगाना नहीं, हैं?
कई दिन से मैं जग जग करके आ रहा हूँ, रात्रि जागरण करके आ रहा हूँ, मेरे सुने दो, विश्राम करने दो। किंतु देखो प्रति आदेश पालन के लिए उन्होंने किया कि है देखते रहे, देखते 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 उनके बेटा आग में जाकर के ही गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। पति का आदेश पालन करने के लिए अपने बेटा भी आग में चले गए देखते देखते बस है। और वो उस समय रो रही थी, सिसक रो रही थी। इतने समय पति जगे, पति कहने लगे क्या बात किया, रो रही क्यों? करे पति देव मेरा बेटा आग में ऐसे ऐसे हो गया। बोले तुम जगाया नहीं क्यों? बोले आपने तो कहा ये विश्व ब्रह्मांड लय भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे हिलाना नहीं चाहिए और जगाना नहीं चाहिए, इसलिए आपके बात रक्षा करने के लिए मैंने ये काम किया, अपने बच्चे को तो बचा नहीं। कले जाओ अग्निदेव के पास जाओ, अग्निदेव के बोलो अग्निदेव मेरे पुत्र के दे दो है। पति के बाक को सुनते ही बस देखो क्या कि वो सती नारी अग्नि के पास गई जहाँ पर आग ने करने लगी, हे अग्निदेव हमारे बालक के दे दो। देखा क्या साक्षात उनकी छोटा बालक ना मानो साक्षात अग्निदेव के गोद में बैठ करके खेल रहे, और अग्निदेव साक्षात उनको दे दिया, धन्य सती नारी तुम है, मैं प्रसन्न हो गया। लो ये कथा कौन सुनाया? कृष्ण गोपियों की सुनाया, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं पति सेवा। गोपियाँ भी कम नहीं है, गोपियाँ कहने श्याम सुंदर तुमने अच्छी बात सुना दिया है, हम तुम्हें भी सुना देते हैं। बोले कहीं नहीं, तुम थोड़ी अकेले जानते हो, हम भी तो जानते हैं। बोले अच्छा सुनाओ। कहने देखो एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मण उसके बाल बच्चा कोई नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता था, ब्राह्मण नित्य प्रत राज दरबार में जाते थे हैं, ऐसे पंडित है ना, वो पंडित जो है राज दरबार में जाते थे, उससे कुछ राजा से कुछ पैसा मिल जाता था, उसे संसार चलता था। और ब्राह्मण ही अपने घर में रहती थी बस है। एक दिन राजा के आदेश हुई, कहते ब्राह्मण तुम 7 दिन के लिए बाहर जाओ, देश जाओ, ये मेरा आदेश है, तुम अकेले जाना किसी के साथ। ब्राह्मण आकर के अपने पति को कहा, पत्नी को कहने लगे देखो राजा की आदेश हुई, 7 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, परदेश में जाना पड़ेगा है। ब्राह्मण ही रोने लगे, बोले नहीं नहीं मैं आप जाऊंगी। बोले नहीं राजा ने कहा हमें अकेला ही जाना पड़ेगा। ब्राह्मण ही रोने लगा मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँ, क्या करूँ? बोले कोई भी बात नहीं है, दरवाज़ा बंद करके रहना, कोई चिंता नहीं, खाना पीना जल सब व्यवस्था है, 7 दिन के बाद मैं लौट करके आ जाऊँगा, देखते देखते 7 दिन तो हो ही जाएगा। ब्राह्मण ने बोले आपके सेवा कैसे करूँ? तो ब्राह्मण ने किया कि अपने एक प्रतिमूर्ति दे दिया, लकड़ी है ना, लकड़ी के एक विग्रह बनाया और उस विग्रह अपना विग्रह समझते ब्राह्मण के विग्रह उनको दे दिया, यही विग्रह के तुम सेवा करो, मेरा स्वरूप जान करके इस विग्रह की तुम सेवा करो, जैसे मैं खाता हूँ इसी प्रकार टाइम में मुझे भोग लगा देना, इस टाइम में पानी पी ले देना, इस समय जैसे होता हूँ हवा कर देना, मैं पैर दबा देना, आजकल थोड़ी पैर दबाता है कोई वो भी तो है, बोलो वृंदावन बिहारी लय, हाँ कोई करते हैं तो बात दूसरी बात है अच्छा चलो आगे की बात सुनाता हूँ। ब्राह्मण ऐसे कह करके अपने एक सुंदर जो है लकड़ी के विग्रह किसको दे दिया? ब्राह्मण ने अपने पत्नी को दे दिया और बोले देखो कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ, 7 दिन के बाद आऊँगा, ठीक है। ब्राह्मण चले गए और ब्राह्मण ने अपने पति की जो मूर्ति जो है ना लकड़ी की मूर्ति जो है उसके ठीक सेवा आदि करने जैसे जैसे विधि बताया उसी प्रकार करने लगे है। 7 दिन के बजाय 5 दिन के दिन ब्राह्मण लौट करके आ गया है और दरवाजा चाली तो बंद ही था। और उस समय ब्राह्मण ही क्या कर रही थी, अपने पतिदेव के जो है भोजन करा करके है पैर दबा रही थी। कृष्ण कहने लगे अच्छा गोपियाँ गोपियाँ कहने लगी श्याम सुंदर ये बताओ है उस समय ब्राह्मण ही क्या करेगी, अपने पतिदेव आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर विग्रह भी पतिदेव के सेवा चल रही है, पर से कौन सा सेवा मानना चाहिए आप बताओ, क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे? दरवाजा खोल देंगे। और ये जो पतिदेव जो है ये कि बेकार थोड़ी है,
हाँ भाई, ये भी एक धर्म संकट है, है? किंतु आपने जो बोल रहे सच है, ये होना चाहिए। देखो कोई विग्रह सेवा कर रहा है, साक्षात गुरुदेव, कोई गुरुदेव के विग्रह सेवा कर रहे हैं, और साक्षात गुरुदेव आ जाए, शास्त्र में विचार है, वो विग्रह सेवा छोड़ करके क्या करना चाहिए, गुरुदेव की अगवनी करना चाहिए। अगवनी से तो हैं क्या बोलते हैं, स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव हे गुरुदेव मम मन मंदिरे स्वागतम स्वागतम गुरुदेव मम मन हो गुरुदेव मम मन मंदिरे स्वागतम स्वागतम गुरुदेव मम मन मंदिर हे गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय ये तो लंबी कीर्तन है, थोड़ा इसमें बता दिया है। देखो साक्षात गुरुदेव आ जाने, विग्रह सेवा सब कुछ छोड़ करके क्या करना पड़ता है, गुरुदेव की है स्वागत करनी चाहिए है। हाँ समझ, कृष्ण भी कह दिया, बोले हाँ विग्रह सेवा छोड़ करके पति जब उनके घर में आ गए तो क्या करना चाहिए, दरवाजा खोल करके साक्षात पति देव को क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए ना, कम से एक गिलास तो पानी दे दो, है कि नहीं है। ये महाराज आप कहाँ से आ रहे हो, आपके मुख सूख गया, घर में पानी है कि नहीं है, एक गिलास पानी दे दो है, और कुछ नहीं दो, बैठने के लिए एक आसन दे दो है, यदि आसन टूटा फूटा जैसे भी है, गमछा हो जो भी है पद दे दो, है कि नहीं है। अच्छा ये कर सकते कि नहीं कर सकते है, तो उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया, गोपियाँ कह रहे हैं देखो, तो उसी प्रकार जो है हे गोविंद है, जब स्वयं भगवान जब हमारे जगतपति जगन्नाथ जब हमारे घर में आए हैं है, तो पतिदेव के कहते हैं पतिदेव यहाँ पर बैठो, अब हमें क्या करूँ, क्या करूँ, परम पति को मैं सेवा करूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, परम पति भगवान श्रीहरि के सेवा करने से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे है। भले ही इस जगत में पति किसी के पति सब घर के पति तो एक नहीं है, किसी के पति रावण भी रहता है, दशानन रहता है कुछ रहता है और कुछ रहता है, किसी के पति भी रामचंद्र के बाद भांति भी सुशील भी है कि नहीं है। सब घर के पति सब समान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं कह रहा हूँ जो सबके पति सब असुर है और सब पत्नियां सब देवियां हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई है, किसी के घर के भी अच्छे भी है, पति भी अच्छी भी है और किसी घर के पत्नी भी वो ताड़कराक्षणी जैसी है ये भी है भाई, सब घर में भाई ये विचित्र जगत है कि ना, ये संसार विचित्र है। केवल मैं एक के पक्ष ले लूँ, दूसरे कहेंगे महाराज आप तो स्त्री के पक्ष ले रहे तो पति लोग हमारे बुढ़ गए, पति के पक्ष ले तो पत्नी कहेंगे भाई ये क्यों करें महाराज है। भाई सब घर में सब प्रकार की है, ये विचित्र संसार है विचित्र संसार में ये सब दिखाई पड़ता रहता है, किंतु शास्त्रीय जो सिद्धांत क्या है, जगतपति जगन्नाथ भगवान की सेवा ही परम धर्म है, और जिसका सेवा करने से सबकी कल्याण कल्याणी हो जाता है, पति भी और बाल बच्चे सब क्या हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जगतपति जगन्नाथ को क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए है, सेवा करो जगन्नाथ की सेवा करो। बोलो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय, हेलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे जय प्रभु जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव
जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, जगन्नाथ हर बाबा तुम्हें, बाबा तुम्हें, बाबा बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय बलदेव, जय जगन्नाथ बलदेव, जय जगन्नाथ, जय बल इतने समय क्या श्रवण किया है? पति पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए? परम पति को क्या करना चाहिए? सेवा करो। पति की बोलो भाई तुम भी आओ है, और पत्नी की कहो भाई तुम भी आओ। दोनों हम लोग क्या करें आज? जगतपति जगन्नाथ को क्या करें? सेवा करें है, क्योंकि जगतपति जगन्नाथ के सेवा करने से है सब प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जीव मात्र कर्तव्य क्या है? जगतपति जगन्नाथ को सेवा करें, प्रभु के सेवा करें है। आशो जी, नहीं तो एक संसार में बस है, उसमें महा माया मह में पड़े रहे तो अनंत काल तो इस संसार चक्र में घूमते रह जाओगे, कभी नरक में कभी स्वर्ग में ऐसे ऊपर नहीं झूते रहोगे है। किंतु जगतपति जगन्नाथ भगवान को सेवा करने से इसी जन्म में, मैं काल सुबह से यही बता रहा हूँ, किसी जन्म अगले जन्म देखना नहीं पड़ेगा है, दोबारा तुमको मातृ गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी जन्म में ही आप कहाँ जो भगवत धाम में चले जाओगे। जद गत्वा नॉन निवर्तनते तत्थामंग परम मम। यदि को मेरा पति देश सेवा करना नहीं चाहते क्या करें? प्रयास करो, यदि चाहते हो नहीं चाहते हो मरने दो, क्या करोगे? थोड़ी ठेका लेकर बैठा है क्या है? ठेकादार थोड़ी है, आज समझ में आया था कि नहीं है? ये ठेकादार थोड़ी है, है प्रयास करो। बोले पति देव आप भी भजन करो, मैं करती हूँ आप भी करो, नहीं करे तो जैसे है तैसे क्या करो है? हाँ कुछ तो करें, आपके हाथ में सब जीव अपने अपने कर्मफल लेकर गए है, हाँ समझ तो क्या करोगे है? प्रयास करें, सभी भगवान की भजन करें। हम तो चाहते हैं संसार में पिता पिता माता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब एक मन तन होकर के किसको सेवा करें? जगतपति को सेवा करें। वो जगतपति ही कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही कृष्ण की सेवा करने से ही हमारे जीवन धन्य हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर आज जिस गृह में भगवान की सेवा होती है वो गृह क्या बन जाता है? वृंदावन। देखा अभी तो वृंदावन कहाँ देखा? वृंदावन कौन कौन वृंदावन गए? वृंदावन के जाकर कोई लौट करके थोड़ी आता है? कोई वृंदावन नहीं गया अभी तक है। आप तो कह रहे हैं वो गए, फिर कहाँ देखा? बांके बिहारी गए लोग तो आजकल बोले कहाँ गए बांके बिहारी, और बांके बिहारी क्या देख रहे? बांके दर्शन किया, इसके बाद क्या किया? लूसी फिकर के आगे हैं 100 रुपये का ना कितने पता है 50 रुपया गिलास गिलास लस्सी पी करके आगे बोले वहाँ के बाद दर्शन हो गया वृंदावन दर्शन। शास्त्र में कहते हैं वृंदावन दर्शन लौट कर थोड़ी आता है। तात्पर्य क्या है? हमारी जड़ आँखों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवत दर्शन के लिए क्या चाहिए? साधु संग, और साधु संग के श्रवण हो। इसलिए कहते हैं कान छोड़ करके भगवत दर्शन नहीं होगा है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए क्या चाहिए? कान, कान कान होता है नहीं है, कान से श्रवण करो है, भगवान की महिमा श्रवण करो है, कान से ही आएगा, और कान से ही भगवान घुसता है और अंदर में आ जाता है। बोले लिखा है भागवत में, लिखा है भागवत में लिखा है भगवान जीवों के कौन सा इंद्रियों के द्वारा अंदर में प्रवेश कर जाते हैं? बोले कान के द्वारा। सिन्नतांग सिन्नतांग सकृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जब विद्युत विद्युत सुहित सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यांग भागवत। ये भगवान की कथा है ना, ये कथा नहीं है,
ये साक्षात भगवान है। ये कहाँ पर हम सुन रहे हैं ना, हमारे कान के अंदर से अंदर आ जाए, इधर आ जाता है और आकर के सारे हृदय में जितने भी मैल है ना सब निकाल देता है। और जो सुनता नहीं है, वो क्या है, ऐसे पड़ा रहता है। छोटा सी कहानी सुना देता हूँ। एक राजा नियम कर दिया बाजार में जो कुछ भी रहेगा है अंत में राजा सब कुछ खरीद लेंगे, माने न्याज्य पैसा दे करके। तो सभी लोग दुकान लेकर के जाते थे शाम के समय, जिसको बिक गया जो बिक गया बिक गया, और जो ही नहीं बिका हुआ माल रहता था राजा जो है उचित मूल्य दे करके खरीद लेते थे। राजा ने नियम किया कोई व्यक्ति सामान को घर लूट करके नहीं ले जाए, फिर दूसरे दिन नया सामान ले आए, नया बिक्री करे। तो इसलिए क्या लोग क्या करते थे कि सामान लेकर के जाते थे और अंत में शाम के समय राजा स्वयं अपने आकर के न्याज्य मूल्य दे, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बाजार रेट जो है उससे सब खरीद लेते थे। राजा ने देखा, एक जगह में देखा एक वो क्या बोलते हैं पुतुल होता है, क्या बोलते हैं जो डल है दुकान होते हैं ना पुतली के दुकान, तो बेचते हैं जो बच्चा के लिए जो बेचते हैं खिलौने के दुकान में, उसमें तीन जो है खिलौना था देखने में बहुत सुंदर है, वो बिकाई नहीं पड़ा हुआ था। राजा ने कहा चाहिए मैं लेता हूँ, इसके मूल्य बताओ, उचित मूल्य बताओ है। देखने में तीन जो मूर्ति जो था डल जो था पुतले जो था वो देखने एक ही जैसे बराबर जैसे है। तो पहले वाला बोले इसको कितना पैसा है, बोले इसके मूल्य है 500 रुपया, बोले इसको इतना ना। दूसरी वाला उठाया बोले ये कितने है 50 रुपया, और तीसरी वाला 5 रुपया। राजा बोले देखने तो तीनों तो एक ही जैसे है, एक ही कपड़ा एक ही सब कुछ लगा है, तुम एक के 500 रुपया बता रहे हो और दूसरे के क्या बता रहे हो 50, 10 गुना, और फिर दूसरे के 5 रुपया, तो 5 रुपया 50 रुपया 10 रुपये ए 500 रुपया है 10 गुना करके क्यों बढ़ा रहे हो बताओ। बोले महाराज आप इसको देख लीजिए है, इसके एक पुतली को क्या दाम बताया 5 रुपया, और दूसरी के क्या 50, 10 गुना हो गया ना, और तीसरी का क्या है 500 रुपया, 5 रुपया 50 रुपया और 5 रुपया, सब 10-10 करके 10 गुना करके बढ़ते ही जाए है। अच्छा बताओ ये क्यों है, बोले महाराज आप देख लीजिए। बोले क्या देखें, बोले 5 रुपया देखा उसके कान, कान तो है ही नहीं, मन कान तो है किंतु दोनों कान बंद है, है दोनों कान बंद है घुसेगा नहीं है। जैसे आपको कान में यदि रुई घुसा करके रखे दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार मानो वो जो पुतली जो था 5 रुपया के, जब उसके कान तो है ऊपर के कान तो है किंतु कान में छेद नहीं है, है इसलिए उसके नाम मूल्य कितना 5 रुपया। अच्छा दूसरी वाला बोले महाराज इसको उठाइए, दूसरी वाला उठा देखा क्या दोनों तरफ तो कान तो है छेद तो है किंतु दोनों छेद जो है इधर से भी उस पास चला गया, ऐसे फूदो तो उसमें से बाहर निकल जाएगा। तात्पर्य तीसरी उठा देखा तो कान तो है सब कुछ है, उसके कान के इधर से जाता है कुछ है सिख इधर से घुसाओ देखो अंदर में आ जाता है। बोले महाराज इसके मूल्य क्या है 500 रुपया। तात्पर्य क्या है, बोले महाराज 5 रुपया जो है वो सुनता ही नहीं है, जैसे कोई आते हैं सुनता ही नहीं है कुछ है, आ गया आया राम और गया राम, कहते ना आया राम और गया राम, उसके आना जाने में कुछ फायदा नहीं होता है, वो 5 रुपये का है मैंने उसके कान में घुसा ही नहीं, दूसरा कान तो है ही नहीं वो सुनता ही नहीं है। और दूसरी क्या है, जिसके जो है कान तो है इधर से सुनता है उधर से ही निकल जाता है, हाँ समझिए ये जिसने सुना वो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, उसके मूल्य क्या 50 रुपया बता रहे हैं। और 500 रुपया उसके कान इस कान से सुनते हैं अंदर में आ जाता है, मतलब क्या है वो अमल करते हैं विचार करते हैं है? केवल सुनने से भी नहीं होगा, श्रवणे तु न फलम स्मरणे तु फलम, शास्त्र में कहा गया है केवल सुनने से तो नहीं, एक को तो सुनते हैं
किंतु सुनने भी नहीं होगा, उसके साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, अमल करने पड़ेगा, विचार करने पड़ेगा, है तब जो है भगवान आ जाते। अर्थात इस कान से भगवान की कथा श्रवण करो और अंदर में क्या करो, भगवान की अपने हृदय में क्या करो, बैठाओ, है तब तुम्हारे मंगल होगा। यही श्रवण की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी ला, हाँ अभी आरती करो, ढाई तो बज गया है, सब लोग के प्रसाद दिया जाए है। बोलो गोविंद बल्लभ हरि गोपाल बोलो गोविंद, ओ गोविंद बल्लभ हरि गोपाल बोलो गो, गोविंद बल्लभ हरि रो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनुआरी मेरो हेलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हर हरे राम 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 हरे 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 राम जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण राधे जय कृष्ण बोलो राधा रानी की जय 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 श्री राधे।